पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उनकी तस्वीरों से लेकर वीडियो तक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं फैंस समेत तमाम दिग्गज सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा उनके मौत की वजह लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच हाल ही में उनका आखिरी गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही लोग वीडियो में दिखाए गए सीन्स और गाने के बोल से सिंगर की मौत की घटना को जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से उनके फैंस में शोक की लहर है। लोग उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसमें एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला अपनी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को उनके फैंस शेयर करके कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की थी, फैंस मूसेवाला की हत्या से सकते में हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला ने 15 मई को द लास्ट राइट सॉन्ग अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था, जहां इसे करीब 10 मिलियन बार देखा गया। उनका ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फैंस को सिंगर का ये सॉन्ग काफ़ी पसंद आया। आपको बता दें कि ये सॉन्ग कथित तौर पर रैपर शकूर के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर बनाया गया था। दरअसल 1996 में शकूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस दौरान उनकी उम्र महज 25 साल की थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने उन्हीं की याद में ये सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब इसी गाने को सिद्धू की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। वायरल हो रहे गाने को लेकर दावा किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी भरी जवानी में मौत की कहानी खुद पहले ही बता दी थी। इस गाने में भरी जवानी में मौत की बात कह रहे हैं। दरअसल 15 मई 2022 को यानी आज से 14 दिन पहले ही उनका ये गाना रिलीज हुआ था, जिसका नाम था द लास्ट राइड। इसमें वो आखिरी सफर से संबंधित बात कर रहे हैं। वहीं मूसेवाला के निधन के बाद से उनके फैंस में शोक की लहर है। लोग मूसेवाला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।